हाय, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए वीडियो को और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आते रहेंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते रहते हैं। आज के क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं। क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पहले समझने के बाद रिटेन करने की जरूरत होती है, इसीलिए मैं रिविजन कराती हूँ लास्ट में। रिविजन हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए क्योंकि इससे आप क्वेश्चन याद रख पाएंगे। पूरी कोशिश करूंगी वीडियो खत्म होने तक आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं, इसीलिए पूरा देखिएगा ताकि रिविजन तक क्वेश्चंस याद करना बहुत जरूरी है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूं। पहला क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हाल फिलहाल चल रहे थे, बहुत सुनने में आ रहा था, इंपॉर्टेंट बात क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वेन्यू क्या? तो वो वेन्यू पुणे महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का वेन्यू पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्बेक्स, तोड़ के पढ़ लीजिए। इंडिया और म्यांमार के बीच में बायोलैटरल एक्सरसाइज, इंडिया और म्यांमार, इंडिया म्यांमार बायोलैटरल एक्सरसाइज 18-19 का वेन्यू बताना है। तो इम्बेक्स 2018-19 का वेन्यू अगर बोलूं चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन, इतना ज्यादा से इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट दैट इज हरियाणा, तो आपको पूरा लिखना है, आप लिखिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन हरियाणा, इसका वेन्यू चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन हरियाणा, इम्बेक्स 18-19 का वेन्यू। और इम्बेक्स क्या है? इंडिया और म्यांमार के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हेड ऑफ आरबीआई पैनल ऑन डिजिटल पेमेंट्स, बहुत ज्यादा डिजिटल बोलते रहते हैं हम लोग, तो डिजिटल पेमेंट्स के लिए आरबीआई ने एक पैनल बनाया है जिसका हेड नंदन नीलेकनी को बनाया गया है। नंदन नीलकानी, जरा मैं लिख देती हूँ नाम, जरा आप लोग लिखिए। मैंने बोला नंदन नीलकानी नाम है इनका, KANI लिखा है मैंने लास्ट में, नंदन नीलकानी नाम है इनका, जो डिजिटल पेमेंट्स की पैनल बनाई है आरबीआई ने, उसको हेड करेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चेंजिंग इंडिया किताब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये किताब लिखी है, तो चेंजिंग इंडिया के ऑथर कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह, भूलिएगा मत, अर्स्टवाइल प्राइम मिनिस्टर हमने कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी किताब चेंजिंग इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन विनर ऑफ फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड पहली बार दिया गया है इसीलिए फर्स्ट एवर बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। मैंने क्या बोला? प्रधानमंत्री मोदी, पीएम मोदी, इन्हें मिला है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, पहली बार दिया गया है उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्पोजिशन स्कीम लिमिट अंडर जीएसटी इंक्रीज्ड टू, कॉम्पोजिशन लिमिट हम कह रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम लिमिट अंडर जीएसटी इंक्रीज टू, पहले ये लिमिट 1 crore 1 crore की थी, अब इस लिमिट को बढ़ा करके 1.5 crore कर दिया गया है। अगर ऐसा किया जाए तो हमें खुद को ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें बेनिफिट होगा कि जहां लिमिट पहले 1 crore की थी अब 1.5 crore की कर दी गई है। तो मैंने सिर्फ इतनी बात इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी थी कि लिमिट 1 crore to 1.5 crore कर दी गई है, ये बात। दूसरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना होता था कि जब 20 lakh का रेवेन्यू पार हो जाए, किसी फर्म की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की हम बात कर रहे हैं कि 20 lakh अगर पार कर लेता है रेवेन्यू तो रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन लेना होगा जीएसटी का। तो हम कह रहे हैं लेकिन अब इस लिमिट को गुड्स के लिए बढ़ा करके 20 to 40 lakh कर दिया गया है। दोबारा सुनिए, मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था अगर 20 lakh से रेवेन्यू क्या हो जाता है, पार हो जाता है। अब हम कह रहे हैं उस लिमिट को 20 lakh to 40 lakh कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ गुड्स की बात हो रही है यहां पर, गुड्स के लिए लिमिट को 20 to 40 lakh कर दिया गया है। एसोसिएटेड बात थी इसलिए आपको मैंने बता दी यहां पर कि कॉम्पोजिशन स्कीम लिमिट जीएसटी में मैंने बताया इंक्रीज किया 1 crore to 1.5 crore। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जो जीएसटी में
20 लाख पे रजिस्ट्रेशन करना होता था, अब उस लिमिट को भी बढ़ा करके गुड्स के लिए 40 लाख कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस अब 9 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अभी होएगा 23-24 जनवरी के आसपास हम बोल रहे हैं ये उस दिन किया जाएगा ऑब्जर्व। तो प्रवासी भारतीय दिवस हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले हम देखिए पार्टनर स्टेट डिस्कस करेंगे कौन सी है, फिर हम बताएंगे प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम ये बताएंगे कि इसमें कौन चीफ गेस्ट है। तो सुनिए ध्यान से, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी पता है आप लोगों को कि वो ऑब्जर्व किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ पे आंसर जो मैं आपको बता रही हूं वो है पार्टनर स्टेट, तो पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश। प्रवासी भारतीय दिवस पार्टनर स्टेट उत्तर प्रदेश, वाराणसी में होगा ये, वाराणसी में होगा ये दूसरी बात। तीसरी बात ये कि प्रवासी भारतीय दिवस में जो चीफ गेस्ट होंगे वो होंगे प्रवीण कुमार जुगनाथ। हमने बोला ये कौन है, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनाथ। प्रवीण जुगनाथ लिख रही हूं मैं यहां पर, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनाथ जो प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, चीफ गेस्ट होंगे प्रवासी भारतीय दिवस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट ऑन गिरी रिवर विल कम अप इन। यहां पर ना थोड़ी सी बातें सुनिए, ध्यान से सुनिए और चीजों को रिलेट करिए। एग्जाम में एकदम से क्वेश्चन आ गया, आपको एक कंपेटिटिव एग्जाम देने जा रहे थे कि आपने कहा ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन तो है ही नहीं, लेकिन ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अभी हाल फिलहाल गिरी रिवर की बात चल रही है। गिरी रिवर ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, चाहे ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें पहले ही पढ़ लीजिए, अगर रीसेंट है तो और ज्यादा जानने की जरूरत है। तो गिरी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है, रिवर यमुना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट लाया जाएगा और बहुत सारी स्टेट्स को बेनिफिट होगा इससे ऐसा कहा जा रहा है। हम कह रहे हैं सिर्फ इतनी बात कि रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट किस पे, तो गिरी रिवर पे। गिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। और एक बात जो मैं बता रही हूं कहां पर ये बनाया जाएगा, तो वो है हिमाचल प्रदेश। एचपी लिखा है मैंने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्लान टू एड्रेस ड्रग अब्यूज इन इंडिया। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है, इसमें बहुत मुश्किल नहीं है, ड्रग अब्यूज को एड्रेस कर रहे हैं, तो ड्रग अब्यूज के लिए कोई एक्शन प्लान लाया जाएगा, उसका ड्यूरेशन आपसे पूछा जा रहा है। जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो है 2018 से 2023 तक। ड्रग अब्यूज का एक्शन प्लान एड्रेस करने के लिए एक्शन प्लान का ड्यूरेशन बताया जा रहा है जो गवर्नमेंट ने सेट किया 2018 से 2023 तक। तो ये 5 ईयर प्लान है, ज्यादातर चीजें ऐसी होती है कि 5 ईयर के ड्यूरेशन के लिए 5 ईयर का उसमें बनाया जाता है, तो बिल्कुल सेम वही है, 5 ईयर 2018 से 2023 तक। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 10% कोटा फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के वीकर सेक्शन के लिए 10% का कोटा लेके आएंगे, तो हम कह रहे हैं किस स्टेट ने सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, हम बात यहां पर ये कर रहे हैं, वो स्टेट है गुजरात। तो गुजरात है पहली स्टेट बन गई है जो 10% का कोटा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए इंप्लीमेंट करके बैठ गई, तो सबसे पहली स्टेट गुजरात। आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर एंड ओडीआई प्लेयर ऑफ 2018। पहले ना यहां पर विमेन वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जल्दी ऐसी बड़ी चीज पाना तो थोड़ा बहुत बड़ी बात ही हो जाती है। हम यहां पर स्मृति मंधाना की बात कर रहे हैं, तो बहुत छोटी है और बहुत तभी लेट स्टार्ट किया है, बट बड़ी चीज है ये, देखिए जो उन्होंने अचीव किया, आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर एंड ओडीआई प्लेयर ऑफ 2018। तो यहां बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, स्मृति मंधाना की। लिखिए इसे ध्यान से क्वेश्चन को, स्मृति मंधाना इनका नाम है, क्रिकेटर है और विमेन्स क्रिकेटर की बात हो रही है जिन्हें मिला है आईसीसी विमेन्स क्रिकेटर एंड ओडीआई प्लेयर ऑफ 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनर ऑफ प्रीमियर बैडमिंटन लीग। यहां पर दो तीन चीजें और याद करेंगे, तो प्रीमियर बैडमिंटन लीग की जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर बेंगलुरु रैप्टर्स ने जीता है, तो बेंगलुरु रैप्टर्स जीतने वाले, जिन्होंने हराया है मुंबई रॉकेट्स को, मुंबई रॉकेट्स को हराया बेंगलुरु रैप्टर्स ने।
भूलिएगा मत, बेंगलुरु में ही हुआ, वेन्यू उसका बेंगलुरु ही है। तो बेंगलुरु रैप्टर्स ने मुंबई, देखिए प्लीज सुनिए ध्यान से, कई बार विनर का नाम नहीं पूछा जाता है, रनर अप पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं सेकंड नंबर पे आए हुए का नाम जरूर बताती हूँ। विनर का नाम लिख के ये पूछा जाए कि बेंगलुरु रैप्टर्स ने बैडमिंटन प्रीमियर बैडमिंटन लीग में किसको हराया, तो क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए, मुंबई रॉकेट्स को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट का फोरकास्ट है फिस्कल ईयर 2018-19 के लिए 7.2% सीएसओ के मुताबिक, सीएसओ के अनुसार 2018-19 हमने कहा फिस्कल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी का ग्रोथ रेट का फोरकास्ट 7.2%। फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड टू विन 1000 इंटरनेशनल मैचेस, सोचिए सुन के कितना बड़ा लग रहा है, तो 1000 इंटरनेशनल मैचेस और ऊपर से ये देखिए फर्स्ट क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड टू विन 1000 इंटरनेशनल मैचेस और बड़ा। ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम लोग, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं हम लोग, और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं और क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड में जिसने 1000 इंटरनेशनल मैचेस जीते। अब योहेई सासाकावा, ये नाम से पता चल जाएगा, जापान के हैं, लेप्रेसी के लिए काम करते हुए, तो इनको मिला गांधी पीस प्राइज। योहेई सासाकावा जिन्हें मिला, योहेई सासाकावा जापान के लेकिन लेप्रेसी के लिए काम करते हुए इंडिया में बहुत ज्यादा, तो मैंने कहा इन्हें क्या मिला है, इन्हें मिला है गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज PRIZE लिखा है मैंने, हेड ऑफ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन GST रेवेन्यू शॉर्टफॉल बाय स्टेट्स। यहां पर हम बात कर रहे हैं, पहले हेड का नाम सुशील कुमार मोदी लिख देते हैं, एक्चुअल में ये सुशील कुमार मोदी बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। मैंने क्या कहा, सुशील कुमार मोदी बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं। बात पढ़ने से थोड़ी पता चल जाती है कि जीएसटी का जो कलेक्शन है, जीएसटी का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें कमी आ रही है, मतलब घटोतरी हो गई है, तो अब उसको देखना है भाई, अगर उसको देखना है कि क्या करना है उसके लिए, व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान, क्या करें, तो उसके लिए कोई कमिटी कुछ ऐसा बनाया जाता है, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनका हेड कौन है, उनके हेड है सुशील कुमार मोदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC वो बीजेपी के हैं, ये भी याद रखिएगा, ONGC तृष्णा गैस प्रोजेक्ट फॉर नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन। अब इसमें ना दो तीन चीजें ऐसी ही कि तृष्णा गैस प्रोजेक्ट जब हमने बोला तो तृष्णा गैस प्रोजेक्ट का मतलब तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग रेफर कर रहे हैं। अब आपको अगर मैं ये बता दूं कि तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, आंसर क्वेश्चन का ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तृष्णा गैस प्रोजेक्ट, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करनी है वहां पर, ONGC को देखिए बात चल रही है कि क्या करना है, नेचुरल गैस जो है एक्सट्रैक्ट करना है, तृष्णा गैस प्रोजेक्ट नाम दिया जा रहा है, मतलब तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है। ये त्रिपुरा में है तो ये प्रोजेक्ट वहीं का है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं तो सीधा सीधा त्रिपुरा आ गया, आंसर आ गया। रिविजन जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पुणे महाराष्ट्र, वेन्यूज का इंडिया म्यांमार बायोलैटरल एक्साइज 18-19 का वेन्यू, मैंने बताया था चांदी मंदिर मिलिट्री स्टेशन हरियाणा, हेड ऑफ RBI पैनल ऑन डिजिटल पेमेंट्स नंदन नीलकानी है, ऑथर ऑफ चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीएम मोदी को मिला पहली बार, मिला मतलब पहली बार एज इन वो दिया ही पहली बार गया है फिलिप कोटलर अवार्ड, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। कॉम्पोजिशन स्कीम लिमिट जो है जीएसटी की, जिसको जो पहले 1 करोड़ थी अब उसे 1.5 करोड़ कर दिया गया है, और आपको बताया था कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन 20 लाख से इनकम बढ़ जाएगी तो करना पड़ता था, अब उस लिमिट को गुड्स के लिए 40 लाख कर दिया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस पे चीफ गेस्ट होंगे प्रवीण जुगनाथ, वहां लिखा है मॉरिशस के प्रधानमंत्री, यूपी पार्टनर स्टेट और वाराणसी में होगा। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट ऑन गिरी रिवर, गिरी रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरी है और हिमाचल प्रदेश में आएगा, और मैंने बताया था आपको कि इस डैम प्रोजेक्ट से बहुत सारी स्टेट्स को फायदा होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन प्लान टू एड्रेस ड्रग अब्यूज इन इंडिया 2018 से 23 तक 5 साल का ड्यूरेशन है,
ड्रग अब्यूज के ऊपर एड्रेस करने के लिए एक्शन प्लान बनाया है जिसका ड्यूरेशन 18 से 23 फर्स्ट एड टू इम्प्लीमेंट 10% कोटा फॉर ईडब्ल्यूएस गुजरात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आई मेंट दैट आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर एंड ओडीआई प्लेयर ऑफ 2018 स्मृति मंधाना विनर ऑफ प्रीमियर बैडमिंटन लीग बेंगलुरु रैप्टर्स हैं और जिन्होंने हराया मुंबई रॉकेट्स को 7.2% का फोरकास्ट ग्रोथ रेट का जीडीपी ग्रोथ रेट का सीएसओ के अकॉर्डिंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 अब इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाली वो भी 1000 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाली पहली ऐसी क्रिकेट टीम वो ऑस्ट्रेलिया की उसके बाद योहेई सासकावा जो लेप्रेसी के लिए काम करते हुए जिन्हें मिला गांधी पीस प्राइज सुशील कुमार मोदी हेड होंगे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल को स्टडी करेंगे त्रिपुरा में ONGC तृष्णा गैस प्रोजेक्ट फॉर नेशनल गैस एक्सट्रैक्शन रैपिंग अप थैंक यू